हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो एपिसोड आपका है दोस्तों, क्लास फोर है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का एसएससी जीडी लेवल के जो भी क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक भी बताया जाएगा, और इसके साथ साथ जैसे एक एपिसोड क्लास फाइव का चलेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें, इस क्लास में कितना इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है ना। देखिए, पी का मतलब प्रिंसिपल, ए का अमाउंट, और आर का मतलब रेट, और टी का मतलब समय। देखिए, पी का मतलब होता है मूलधन, मूलधन, और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र 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 धन होता है, और आर का मतलब दर, और टी का मतलब समय, ठीक है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं। जैसे हम किसी से किसी को कर्ज देते हैं या लेते हैं, यही हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन, और मूलधन का जो ब्याज, उन दोनों का योग को हम बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। अब इसके बाद रेट, यानी जो भी, देखिए, जो भी हम लोग मूलधन देते हैं तो हम कितने परसेंट पे देते हैं, कितना, 4% 5%, तो जितना रेट आएगा 4% 5% उसी को हम दर बोलते हैं। टाइम मतलब कितने समय के लिए, कितने महीने के लिए, ठीक है, कितने साल के लिए देते हैं, वही हमारा हो जाएगा समय, ठीक है। तो इतना आपको पता हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आएगा आपका एस आई बराबर होता है आर इंटू टी, यानी ये होता है परसेंटेज ब्याज, यानी साधा सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टी, ये होता है परसेंटेज ब्याज, ठीक है। तो परसेंटेज ब्याज के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे इसमें मान लीजिए रेट आपका है, रेट इसका है 5%, और टाइम जो दे दिया कितना, 10 वर्ष, टाइम दे दिया कितना, 10 वर्ष दे दिया। जब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी परसेंटेज यानी एसआई निकालना है, साधारण ब्याज, परसेंटेज ब्याज, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इसका परसेंटेज जो ब्याज आएगा, परसेंटेज ब्याज आ जाएगा दोस्तों 10 पचे 50%। अब देखिए, यह जो परसेंटेज ब्याज आ गया 50%, अगर किसी मूलधन, यानी देखिए मूलधन मान लीजिए आपका सिंपल इंटरेस्ट में यानी 100 होता है, ठीक है, 100 मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए 100 हो गया। अब इसका 50%, यानी जो आया मूलधन का, इसका 100 का 50% कितना होगा, यानी 50%, तो इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 50 का, ठीक है। तो परसेंट से 2 से जो 0 कट जाएगा, यानी रुपया कितना हो गया, 50 रुपया, ठीक है। तो आपको इतना मतलब पता हो गया, इतनी जानकारी हो गई। और एक बात ध्यान दीजिए, एक बात और इसमें देखिए, जब भी दोस्तों परसेंटेज परसेंट ब्याज तो हो गया, देखिए एसआई बराबर आर इंटू टी, यह परसेंटेज ब्याज के लिए होता है, परसेंटेज ब्याज के लिए, ठीक है, यह परसेंटेज ब्याज के लिए हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे इसमें टाइम पता हो या रेट पता हो, ठीक है, टाइम पता हो या रेट पता हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम पता करने के लिए और समय पता करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे इसका होता है परसेंटेज ब्याज के लिए, जैसे मैं बता दिया परसेंटेज ब्याज, यानी परसेंटेज ब्याज हो जाएगा बराबर आर इंटू टी होता है, ठीक है, आर इंटू टी होता है। तो अगर आपको, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, परसेंटेज बराबर होता है आर इंटू टी होता है, ठीक है। तो जब आपको, जब भी आपको देखिए समय निकालना है, ठीक है,
समय टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज में जब टाइम निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में हम आर से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यह आर इंटू टी है, ठीक है। अब आपको रेट पता करना है, ठीक है। रेट निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, टाइम से भाग लगा लेंगे तो आ जाएगा, रेट पता हो जाएगा। अब इस परसेंटेज ही ब्याज में जब हमें टाइम निकालना होता है तो आर इंटू टी में क्या करेंगे, आर से भाग लगा लेंगे तो आ जाएगा टी का, यानी समय पता चल जाएगा। तो दोस्तों यही है ट्रिक, यही है सब बेसिक बातें, और इसी के साथ मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बात और ध्यान दीजिए कि जब भी आपको समय टाइम पता है, समय पता है, पता करने के लिए टाइम पत समय और टाइम पता करने सॉरी रेट एंड टाइम पता करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। इतना आपको तो पता हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए कि अगर कोई धन मान लीजिए 2 गुना हो जाता है तो परसेंटेज ब्याज में क्या करेंगे, यानी 2 गुना हो जाएगा तो 2 गुना का मतलब 200 हो जाए। 2 गुना का मान लीजिए कोई है, कोई धन है 5 रुपया, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो उसी तरह जो परसेंटेज ब्याज में हो रहा है वो जैसे कि होता है, तो उसमें से एक कम कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई धन, इसमें हम एक आपको क्लास भी करवाया हूँ, ध्यान दीजिए। कोई जैसे मान लीजिए धन हो गया, धन हो गया, इधर होता है परसेंटेज ब्याज। मान लीजिए कोई धन 2 गुना हो गया, ठीक है, 2 गुना हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, 100 2 गुना हो गया, यानी 1 हटा के 100 में 1 हटा के, तो यानी इसका हो जाएगा 100 रुपये। यहाँ पे परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना हो गया, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ 100 में 200 इसका परसेंटेज ब्याज होगा। 4 गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। बस यही करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अब आपको क्वेश्चन पे लेके, ठीक है। आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखा करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जरूर। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों तो मैं क्वेश्चन से पहले कुछ आपको बेसिक ज्ञान बता बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ समझने के लिए। जैसे 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो दर परसेंट ज्ञात कीजिए। यानी कोई, देखिए 5 वर्ष में कोई धन, अभी मैं बताया हूं ना कि जो कोई भी धन हो जितने वर्ष में जितना गुना होता है उतने उसी के हिसाब से, यानी परसेंटेज ब्याज में होता है। तो उसके लिए मैं एक क्लास लिया हूँ, जाके उस क्लास को नहीं देखे होंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसे जरूर देख लेंगे वीडियो में, यानी सर्च मार के जरूर से जरूर देख ले, तो ठीक है ना। तो यानी मान लीजिए परसेंटेज ब्याज बराबर, ध्यान दीजिए, कोई देखिए 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, जब 2 गुना हो रहा है, ध्यान दीजिए 2 गुना हो जाता है, तो जब 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो यानी 2 गुना जब हो रहा है, यहाँ पे लिखा था ना कोई भी धन 2 गुना हो जाता है तो परसेंटेज ब्याज कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो परसेंटेज ब्याज में यानी आर इंटू यानी रेट निकालने की बात कर रहा है, और दर कितना है, परसेंटेज ब्याज यानी दर ज्ञात करना है, तो यानी परसेंटेज ब्याज यहाँ लिखेंगे। और इसमें देखिए आपको रेट निकालना है तो इसमें टाइम से भाग दे देंगे, यानी टाइम कितना है, 5 वर्ष है, तो इसमें 5 से भाग देंगे, 5 दुना के 10, यानी आर का मान आ जाएगा 20%, यानी रेट का मान कितना आ गया, 20% दोस्तों। तो यही क्वेश्चन है, यही लेवल, यही क्वेश्चन, इसी तरह आपको सबसे पहले ये सब समझना है। देखिए जो दोस्तों को कुछ नहीं पता है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट, चाहे कोई भी परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट सब पढ़ाया हूँ वीडियो पे, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चलाने वाला हूँ, तो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन बताएंगे कि हाँ क्वेश्चन कैसा है, ठीक है।
आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कैसा है, देखिए 5,000 रुपये का 6% की वार्षिक वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9% जो इसका परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, कितना है 6% है, कितना है 6% है। अब इसके बाद देखिए क्या है, दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, इसमें गुणा कर देंगे 9 का, और देखिए 9 माह है तो इसमें 12 का भाग देंगे तो यह साल में चेंज, यानी वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो 6 × 6 = 12, यानी 9 × 9 अरे 9 × 9 / 2, यानी 9/2% हो जाएगा, ठीक है। जो इसका परसेंटेज ब्याज आ गया कितना, 9/2, रुपये में कितना दिया है, रुपये 5,000 दिया है, अब इसमें गुणा कर देंगे 9/2 से, ठीक है। अब इसे काट परसेंट से, ये देखिए परसेंट है ना, तो 2 0 इससे कट जाएगा, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 2 0 कट जाएगा, इसे काट देंगे 2 × 2 आया 25, बार में कट जाएगा 25 9 हो जाएगा आपका, 25 9 25 2 100, यानी 225 आ जाएगा आपका साधारण ब्याज, 225 रुपये कितना आ जाएगा आपका साधारण ब्याज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए एकदम अभी पता है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में जरूर आए होंगे, और देखिए क्वेश्चन है ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट को आपको सीखना है और सीखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, देखिए मैथ सीखना है अगर आपको कुछ बनना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। यदि किसी धन को छ प्रतिशत की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पूछ दिया प्रिंसिपल, यानी मूलधन पूछ दिया है दोस्तों। तो क्या करेंगे, जो 6% दिया है और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों परसेंटेज ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 6 × 5 कितना हो जाएगा 30% बराबर। अब देखिए 30% आ जाएगा किसके, साधारण ब्याज 60 रुपये है, कितना रुपये है 60 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यानी 30% बराबर 60 रुपया हो रहा है, तो 100% यानी मूलधन, तो आपस में जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन 100% होता है, तो यानी 30% बराबर 60 रुपये हो गया। तो इसके बाद 30% कितना गुना है, 2 गुना, तो 100% का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा, यानी आपका आ गया मूलधन, मूलधन कितना आ गया 200 रुपये, यानी ऑप्शन से जो हो जाएगा स राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो भी दोस्तों आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, सिस्टर हैं, जो भी आपके फैमिली में है या कहीं है फ्रेंड है, आप मेरा वीडियो उनमें जल्दी से जल्दी शेयर करिए, और उन्हें बताइए कि SSC GD लेवल की तैयारी चल रही है SJB कोचिंग अनिल सर पे, और हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। देखिए दोस्तों सब दुख और दर्द सब आपके अंदर है, बस एक बार आप बाहर निकल के देखिए, आप खुद में एक सिकंदर हो, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम बनाते हैं, पहले इसे पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना आया ना, मैं कहा ना कोई भी धन 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए, उसके लिए जब उसका ब्याज जो आएगा वो परसेंटेज में, यानी उसमें जो गुना में एक एक करते कम करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो अब देखिए कितना पूछा है, कितने प्रतिशत, यानी साधारण ब्याज की दर से, रेट नहीं पता है दोस्तों, और टाइम इसका दिया है कितना 4 वर्ष, टाइम कितना दिया है 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, और इसमें
चार वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो हमें रेट पता करना है। चार वर्ष में तिगुना हो जा रहा है, तो इसका आ जाएगा परसेंटेज, ब्याज बराबर होता है, आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो तीन गुना में क्या कर, परसेंटेज ब्याज में तीन गुना हो जा रहा है, तो उसका 200% ब्याज आएगा। कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, रेट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे समय में यानी चार से भाग लगा देंगे, यानी टाइम से। आपको बताया हूँ ना कि जब भी रेट पता करना है तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग लगा लेंगे, और टाइम पता करना हो तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें टाइम से भाग, तो 4 × 5 = 20, यानी हो जाएगा दोस्तों आपका 50%, यानी 50% आ जाएगा इसका रेट, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 50%। ठीक है, तो ये रेट बराबर फार्मूला है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा द, यानी 50%। तो मुझे उम्मीद है कि भी जितने क्वेश्चन है, जितने आपको बताएंगे, आपको जरूर समझ में, अगर समझ में जरूर आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक एपिसोड और क्लास जो एपिसोड 5 मैं लेकर आऊँगा इसी के साथ। ठीक है, तो आप इसे अपना अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।